तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। हमने एक बात आपको बता दी थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कि मार्केट फोकस एंड प्रोडक्ट फोकस। मार्केट फोकस कहाँ? कंट्रीज। मार्केट जब भी हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड कहेंगे दैट इज कंट्रीज एंड प्रोडक्ट फोकस। और प्रोडक्ट जो इंडिया में आजकल जो फोकस किया जा रहा है दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। दूसरा जो हम लोग मार्केट फोकस कह रहे हैं वहां पर वी आर ट्राइंग टू एंटर इनटू ए बायलैटरल एग्रीमेंट और फिर बहुत सारे लोग जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हम लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो प्राइमरी पर्पस है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, इट इज नॉट टू डिक्रीज द इम्पोर्ट बट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आता कहाँ से, ऑथराइजेशन कहाँ से है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये एक एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, उसके सेक्शन 5 में ऑथराइजेशन मिला। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 जो आज के डेट में इज वैलिड टिल 31 मार्च 2021। फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर इसमें तीन है, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, अपेंडिक्स एंड आयात निर्यात फॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। इसके बाद है ये हमने बता ही दिया था प्राइमरी फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग एक्सपोर्ट्स, मार्केट फोकस, प्रोडक्ट फोकस, और ये जितने भी MAS स्कीम है, SCI स्कीम है, इसको वो खत्म करेंगे, दैट इज ऑल सब्सिडीज। और ये खत्म होना भी होता 31 मार्च 2020 के बाद, लेकिन कोरोना आ गया, अब ये एक साल के लिए और बढ़ गया है। FTA नॉमिनिक्लेचर, ये एग्रीमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब जो हम लोग बात कर रहे थे IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बिना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर नहीं सकते। एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज के लिए IEC नंबर तभी जरूरी है जब वो एक्सपोर्ट बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, यानी कि SEIS एक्सेट्रा, वरना जरूरत नहीं है, इंपोर्ट के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन GST में इसमें RCM में टैक्स देना पड़ेगा अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो। फिर एक RCMC है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट नहीं देती है बल्कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देती है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, इन सबको अगर रिकॉग्नाइज करती है, ये सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। और अपेंडिक्स 2R में एक सर्टिफिकेट दे देगी RCMC जो वैलिड होगा 5 साल के लिए। बेनिफिट क्या है? एक्सपोर्ट बेनिफिट, और आपको लाइसेंस मिल जाएगा, मतलब आपको लाइसेंस टू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम तभी मिलेगा इफ यू हैव RCMC, अदरवाइज नहीं मिलेगा। RCMC अप्लाई कैसे करते हैं ये सब कहानी किया था हमने। इसके बाद एक प्रोफाइल ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो बनाना होता है। अब जो हम लोग आज कर रहे हैं आपके साथ दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसके बारे में हमने आपके साथ कस्टम्स में भी बहुत कुछ किया था और यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में कर रहे हैं हम लोग आपके साथ। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जितने भी गुड्स हैं वो ITC HSS कितने डिजिट में क्लासिफाई किया है इंडिया में, इंडिया ने कितने डिजिट में क्लासिफाई किया है, 6 डिजिट या 8 डिजिट? 8 डिजिट। WTO ने 6 डिजिट तक क्लासिफाई किया है, इंडिया ने 2 डिजिट और जोड़ दिया। और एक्सपोर्ट पॉलिसी और इंपोर्ट पॉलिसी Schedule 1 में है और एक्सपोर्ट पॉलिसी Schedule 2 में। और कस्टम टैरिफ एक्ट का नहीं है, ये ITC HS करके एक अलग से एक बुक आती है उसमें दिया हुआ है सारा। और DGFT के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट का उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाया हुआ। और टू बी स्पेसिफिक इंडियन ट्रेड पोर्टल में जाएंगे तो मिल जाएगा, हमने आपको दिखलाया भी था, उस वेबसाइट का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वो वेबसाइट कौन सी थी, indiantradeportal.in, इसमें मिलेगा। अब देखिए जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो जनरली फ्री है, यानी कि उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये लाइसेंस का जो नाम है उसको चेंज करके ऑथराइजेशन कर दिया। ऑथराइजेशन, इसका बहुत पुराना नाम कस्टम्स क्लियरेंस परमिट भी होता था जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में CCP भी बोलते थे, लेकिन ये सब लाइसेंस राज के जमाने का था।
आज फ्री इकोनॉमी है, इसीलिए दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड लाइसेंस, दे आर यूजिंग द वर्ड द ऑथराइजेशन। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो इस गुड्स में आप देखेंगे, अगर ये फ्री और जनरली मैक्सिमम प्रोडक्ट फ्री है, तो ये इसके लिए कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक आईईसी नंबर होना चाहिए, और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेनिफिट लेते हैं तो आरसीएमसी होना चाहिए और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर एक बात और बता दूं, एक है एडवांस ऑथराइजेशन और एक है सिर्फ ऑथराइजेशन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क, कोई आइडिया? यह है एडवांस ऑथराइजेशन, इसको हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था आपके साथ? यस, एडवांस ऑथराइजेशन, अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, नो ड्यूटी। और अगर आप इंडिजिनियस गुड्स खरीदते हैं, तो मान लीजिए मिस्टर ए है, इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, तो ये इंपोर्ट भी ड्यूटी फ्री कर सकता है। और ये अगर डोमेस्टिक ही खरीदता है, इंडिजिनियस खरीदता है, मान लीजिए मिस्टर बी से ये खरीदता है, क्योंकि इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है मिस्टर बी के लिए, इसको हम लोग कौन सा एक्सपोर्ट मानते हैं जरा बताएंगे आप? कौन सा एक्सपोर्ट मानते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट, इसको डीम्ड एक्सपोर्ट। लेकिन ये सिर्फ ऑथराइजेशन है, ये सिर्फ ऑथराइजेशन, करेक्ट है? तो ये एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है। एडवांस ऑथराइजेशन में कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती है, ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं या डोमेस्टिक, कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन ऑथराइजेशन अलग है, वही हम लोग कर रहे हैं, ऑथराइजेशन क्या है। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई गुड्स रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए आपको ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है, करेक्ट है? तो अगर गुड्स रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं, अगर प्रोहिबिटेड है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। जैसे एक दिन पहले अनियन पे, यानी कि प्याज पे, दे पुट प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन में नहीं डाला है इनको, प्याज को प्रोहिबिशन में डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि डोमेस्टिक प्याज के दाम बढ़ रहे थे, तो इसको प्रोहिबिशन में डाल दिया। जैसे ही प्रोहिबिशन में डाल दिया, तो मैं न्यूज पढ़ रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हुआ। तो एज एन ऑपोजिशन उनका काम है, वो उन्होंने किया, वो ये नहीं बोल पाए। यस, 3000 क्विंटल सो कॉस्टली, ओके, तो हाउसवाइफ बोल रही है तो मानना पड़ेगा। तो मैं जो बात कर रहा हूं आपके साथ कि ऑपोजिशन है, तो इन्होंने कहा पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा, लेकिन इंडिया का प्राइस इससे गिर सकता है, करेक्ट है? और एक है एसटीई, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस। ये अगर कोई गुड्स स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस के अंतर्गत है, यानी कि ये वाले गुड्स, जैसे जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड सिल्वर है, ऐसे गुड्स हैं जो स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थ्रू स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस, करेक्ट? तो प्रोहिबिशन तो हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए ऑथराइजेशन का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जनरली फ्री है कुछ गुड्स, मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो एसटीई ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। और कुछ गुड्स जो जैसे गवर्नमेंट कोरोना के समय में पीपीई किट्स को रेस्ट्रिक्टेड में डाल दिया एक्सपोर्ट में, तो ऐसे कभी कभी वो करती रहती हैं, गुड्स आया गया, लेकिन कुछ गुड्स तो परमानेंट रेस्ट्रिक्टेड ही है। जैसे मैंने एक बताया था, कस्टम में अगरबत्ती जिस रॉ मटेरियल से बनता है उसको रेस्ट्रिक्टेड में डाल दिया गया, और अभी तक हटाया नहीं है, आज से 3-4 महीने से ज्यादा होकर। तो ऐसे कुछ गुड्स है STE, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस, ये कौन है ये बता देते आपको, उसके बाद आगे करते हैं। द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार की है। इसमें आप देखेंगे तो इतने सारे प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स।
और इन्होंने एक अपेंडिक्स निकाला, एक एमएमटीसी लिमिटेड है। एमएमटीसी लिमिटेड मुझे लगता था सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही, प्रेशियस मेटल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, लेकिन इसमें तमाम तरह के गुड्स देखिए, तमाम तरह के गुड्स हैं। और इन्होंने लिखा है इंडिया इज लीडिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह काम करता है ये। इसके बाद है पीईसी लिमिटेड, और इन्होंने अपेंडिक्स 2J में, अपेंडिक्स 2J में ये 14 नाम लिखे हैं जिसको वो स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस कहेंगे, लिस्ट ऑफ स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस फॉर FTP पर्पस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, भारत HP, ONGC, ये तो सारे ऑयल के हो गए, चार ऑयल के हैं, फिर मिनरल्स, MMTC, पोटैश, डेयरी, दूध का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का, स्पाइसेस का, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, और यही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई गुड्स जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस में है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस STE से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे तो पॉसिबल है, करेक्ट है। तो स्टेट ट्रेडिंग इज मोर प्रिविलेंट इन एग्रीकल्चर दैन इन अदर इंडस्ट्रीज बिकॉज मेनी कंट्रीज यूज स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस एज ए मींस। अच्छा एक बात भैया, एज ए मींस इस पैराग्राफ से, क्या स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस से हम लोग इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का? यस और नो, कैन वी कंट्रोल द इंटरनेशनल prices of any product through these state trading enterprises? Yes or no? Aparna ji कह रही है नहीं, Jinesh ji भी कह रहे हैं नहीं, बाकी लोगों का क्या opinion है? सब लोग no पर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताइए, government ये state कौन control कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेस। और याद रखिएगा, जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, डोंट थिंक ऑफ ओनली इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट है और वो एक काम नहीं करती है, लेकिन यू थिंक ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट जो कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेसी कहते हैं है नहीं, क्या ये स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करके, हजारों हजारों करोड़ का कैपिटल कंट्रीब्यूट करके, ये कोई गुड्स का प्राइसेस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कंट्रोल नहीं कर सकते? ये सब्सिडी नहीं दे सकती है? तो पॉसिबल है, इंडिया नहीं करती है, इंडिया डज नॉट डू दैट, लेकिन देर आर सर्टन रॉ गवर्नमेंट्स, या फिर रॉ गवर्नमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, देर आर सर्टन गवर्नमेंट्स विच आर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक, दे माइट डू इट, दे माइट डू इट, और WTO प्रोहिबिट्स इट। तो WTO के डेफिनेशन में जब हम लोग ST करेंगे, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस करेंगे, तो उसमें एक साफ बात लिखी हुई, और हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जब हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उसमें साफ बात एक बात लिखी है कि स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस कौन सी होती है जो कंपिटिटिव प्राइस में खरीदना बेचना करती है, दे सेल एंड परचेज एट कंपिटिटिव प्राइस। करेक्ट है। तो ये हम लोग डेफिनेशन में पढ़ेंगे आपके साथ। तो ये पूरी कहानी उसी के लिखी हुई है, ST एज ए मींस टू अचीव पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सच एज डोमेस्टिक प्राइस सपोर्ट, प्रोहिबिट करके ओनियन का ST नहीं है, लेकिन दे हैव कंट्रोल द डोमेस्टिक प्राइस, एफिशिएंसीज इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड अफोर्डेबल फूड सप्लाईज फॉर लो इनकम पॉपुलेशंस। ST अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगर। मुझे एक बात बताइए, आप लोग को ये पता है या नहीं पता है,
क्या एक फार्मर अपना कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकता है? बाकी लोग और ये अभी हुआ है, मोदी गवर्नमेंट हैज डन दिस वेरी रिसेंटली 1 month बैक. तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था. दे यूज टू सेल थ्रू ब्रोकर्स ओनली. हमने आपके साथ जीएसटी में एक एपीएमसी पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, ब्रोकर को ही थ्रू बेच सकते थे, डायरेक्ट बेच ही नहीं सकते थे मंडी समिति को. करेक्ट, नाउ दे हैव डन इट. तो राजेश जी, इस पर ये जो हो चुका है, इट इज हैपनिंग इन बेंगलुरु. वी हैव, वी गेट वेरी वेजिटेबल सो चीप. अच्छा राजेश जी, आप बताइए क्या फर्क नजर आ रहा है मार्केट में, कुछ नजर आ रहा है? अभी तो नहीं, एक दे ब्रिंग ट्रक एंड सेल. ओके, अब कुछ चीजें और. एक गुड्स है जिसको हम लोग स्कॉमेट गुड्स बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म दिखलाता हूं. ये केमिकल, बेसिकली केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं और इसका ड्यूअल यूज भी हो सकता है. स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, और ये ड्यूअल यूज हो सकता है, यानी कि इसका यूज बॉम्ब बनाने में भी हो सकता है. बायो वॉरफेयर, जैसे कोरोना वायरस आ गया, कह रहे हैं कि चाइनीज के वुहान से निकला हुआ है, तो ये बायो वॉरफेयर के लिए भी यूज हो सकता है. इसका एक्सपोर्ट, इस कॉमेट आइटम का इसका एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है. और अपेंडिक्स 3 में ये सारे जो गुड्स के नाम लिखे हुए हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ेंगे. अपेंडिक्स 3 इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज फ्री, एक्सपोर्ट नॉट अलाउड. और यहाँ फ्री लिखने का मतलब, और याद रखिए इस कॉमेट आइटम तो हर कंट्री ने रेस्ट्रिक्टेड में डाला हुआ है, हाँ या ना? तो इसीलिए यहां पर, इसीलिए इस कॉमेट के इंपोर्ट के बारे में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं. और इनफैक्ट हमने जब कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब फ्री है, तो हमने फ्री इसीलिए लिख दिया, क्योंकि बाकी कंट्री, क्योंकि इसका ड्यूअल यूज है, बॉम्ब बायो वॉरफेयर बनाने में काम में आ सकता है, इसीलिए इसका एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया. और हर कंट्री ने WTO के अकॉर्डिंग हर कंट्री ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, है ना? इसीलिए छुप छुपा के नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है, ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी. चाइनीज का, चाइना कर रहा होगा, दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी, इसीलिए छिपना पड़ता है. दूसरी बात, सेकेंड हैंड गुड्स, ये हमने कस्टम्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था, सेकेंड हैंड गुड्स आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है. और उन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ, अभी हमने पढ़ेंगे हम लोग आपके साथ, कौन सा सेकेंड हैंड गुड्स आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सा सेकेंड हैंड गुड्स आप ऑथराइजेशन लेके ही इंपोर्ट कर सकते हैं. करेक्ट है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सेकेंड हैंड गुड्स रिस्ट्रिक्टेड है. अब आपको लास्ट क्लास, कल की क्लास अगर याद है, तो हमने आपको एक हिंट दिया था, कौन सा सेकेंड हैंड गुड्स फ्री फ्री लिखा होगा. सेकेंड हैंड गुड्स में लिस्ट दी होगी, लेकिन एक सेकेंड हैंड गुड्स मशीन, करेक्ट, कैपिटल गुड्स, ये फ्री है. फ्री मतलब इंपोर्ट ड्यूटी तो देनी है, लेकिन उसके लिए ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होगी. लेकिन आप सोचेंगे मैं सेकेंड हैंड AC इंपोर्ट कर लूं, सेकेंड हैंड TV इंपोर्ट कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, रिस्ट्रिक्टेड है.
एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई कंट्री चाहे तो। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज है, मैं बता देता हूं, अफ्रीकन कंट्रीज अलाउ सेकेंड हैंड इंपोर्ट इन देयर कंट्रीज। तो हम लोग सेकेंड हैंड एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन इंपोर्ट नहीं कर सकते, करेक्ट है। अदर गुड्स जनरली फ्री। एक बात और, जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैं ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड आइटम को इंपोर्ट करने के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ये जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं किस लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुझसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? तो पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, सर मेरे पास फैक्ट्री है उस रिस्ट्रिक्टेड आइटम, जैसे अगरबत्ती का रॉ मटेरियल मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मेरे पास फैक्ट्री है उससे मैं अगरबत्ती बनाऊंगा और डोमेस्टिक में बेचूंगा, डोमेस्टिक मार्केट में। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि सर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, आई एम ए ट्रेडर, मैं अगरबत्ती का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करूंगा और बाकी लोगों को बेचूंगा। तो ये जब आप खुद यूज करते हैं तो इसको कहते हैं एक्चुअल यूज, एक्चुअल यूजर कंडीशन, करेक्ट। तो जब ऑथराइजेशन के लिए जब आप वो शेड्यूल वन और शेड्यूल टू निकालेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये उसी को इंपोर्ट करने देंगे जो फैक्ट्री में यूज करेगा, दैट इज एक्चुअल यूजर कंडीशन। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप ट्रेडिंग के लिए, आप ट्रेडिंग के लिए भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही इंपोर्ट कर सकता है। सही बात है। बोलिए, तो एक्चुअल यूजर कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, यानी कि ये किसके, कौन इंपोर्ट कर सकता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर। अगर ये कंडीशंस नहीं लिखी हुई है तो ट्रेडर भी इंपोर्ट कर सकता है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्म आता है इसका, तो उसमें लिखा हुआ है यू आर ए मैन्युफैक्चरर और यू आर ए ट्रेडर, उसमें लिखा हुआ है, करेक्ट है। कौन सा फॉर्म? बोला कि अगर इंपोर्ट ऑथराइजेशन है रिस्ट्रिक्टेड आइटम का ऑब्वियसली, तो आपको एएनएफ 2M में अप्लाई करना है, सारा ऑनलाइन है याद रखिएगा, रीजनल अथॉरिटी को अप्लाई करना है, प्रिस्क्राइब फीस देनी होगी और फीस CIF वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, 500 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की फीस हो सकती है। तो जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, ITC नंबर यानी कि 8-digit ऑफ द गुड्स, कितनी CIF वैल्यू की आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्वांटिटी आप लिख ही दिए। तो अगर क्वोटा बेस्ड लगाया हुआ है कि इतना क्वांटिटी ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी, तब फिर आपको क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, करेक्ट है। और ये जब इंपोर्ट ऑथराइजेशन ले लेंगे तो उसकी वैलिडिटी होगी 18 months। मान लीजिए आपको 1 अक्टूबर को मिला तो यहां से 18 months तक ये रहेगा और इसी बीच में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं उस दिन ये इंपोर्ट ऑथराइजेशन वैलिड होना चाहिए, करेक्ट है। उसी तरह से एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन में दो चीजें, एक स्कॉमेट है वो अलग से है, ये तो है ही रेस्ट्रिक्टेड, इसके लिए फॉर्म है ANF-2O, इसकी वैलिडिटी 24 months, और स्कॉमेट के अलावा बाकी अगर आइदर आइटम्स है जो रिस्ट्रिक्टेड में है उसके लिए ANF-2N, इसकी वैलिडिटी है 24 months, ठीक है। और हम लोग इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मुझे लाइन ही नहीं समझ में आ रही है क्यों लिखा, ऑथराइजेशन में आल्सो बी अप्लाइड आफ्टर इंपोर्टेशन, इंपोर्ट कर लो उसके बाद ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर दो, ये पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं, बट हम लोग पढ़ेंगे एक बार डॉक्यूमेंट में तब देखते हैं। तो एक बार इसको भूल ही जाइए, दिस इज नॉट गुड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। So always for import we have to fill this form. Import for restricted items only. Free है तो ये form की जरूरत नहीं है, only for restricted items.
ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अब कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फ्री का मतलब एज अपीयरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर आइटम मींस गुड्स व्हिच डू नॉट नीड एनी ऑथराइजेशन लाइसेंस और परमिशन फॉर बीइंग इंपोर्टेड इनटू द कंट्री और एक्सपोर्टेड आउट। कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। प्रोहिबिटेड इंडिकेट्स हुज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इज नॉट परमिटेड। ऑथराइजेशन के लेने के बाद भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिटेड नहीं है। कोटा, कोटा वो फिक्स कर देंगे, जैसे एक्सपोर्ट कोटा ये फिक्स कर दिए, पीपीई किट से 2 लाख ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो कोटा कर देंगे। स्पेसिफिक काइंड दैट परमिटेड टू बी इंपोर्टेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन और इंपोजिशन ऑफ एडिशनल ड्यूटीज। क्वांटिटी फिक्स करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड दिस 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 विच कैन बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑथराइजेशन फ्रॉम ऑफिसेस ऑफ डीजीएफटी। स्कॉमेट, स्कॉमेट क्या होता है ये हमने अभी डिस्कस ही किया। स्पेशल केमिकल दिस 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 इट इज ईदर प्रोहिबिटेड और इज परमिटेड अंडर एन ऑथराइजेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स फ्री अनलेस रेगुलेटेड, तो ये प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड एक्सक्लूसिव थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस दिस दिस मैं इसको अब इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो ये इंडियन ट्रेड पोर्टल .in में मिलेगा और ये समय हम लोग कर चुके 2, 4, 6, 8 digit, 6 digit, 8 digit, ये शेड्यूल 1 इंपोर्ट पॉलिसी, शेड्यूल 2 एक्सपोर्ट पॉलिसी, फिर सेकेंड हैंड गुड्स की इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंपोर्ट पॉलिसी इज फॉर न्यू गुड्स एंड नॉट फॉर सेकेंड हैंड गुड्स, और सेकेंड हैंड गुड्स का हम लोग ये पढ़ेंगे आपके साथ। कंप्लायंस ऑफ इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक लॉस, अब ये इसके बारे में मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अगर कोई गुड्स, मान लीजिए आपको टीवी इंपोर्ट करते हैं, फोन इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया ने क्वालिटी के लॉज बनाए हुए, जैसे BIS समझ लीजिए, और इस फोन पे 5 क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, वो 5 क्वालिटी के पैरामीटर्स अगर के सर्टिफिकेट्स आपको ऑप्टेन करना पड़ेगा BIS से, फिर वो कस्टम अथॉरिटीज के जब आप डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे होंगे तो उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, तभी ये इंपोर्ट हो पाएगा। कोई आप मशीन इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए ISI मार्क होना बहुत जरूरी है, तो ISI में इस मशीन के लिए मान ली 10 क्वालिटीज है, वो 10 क्वालिटीज आप इस मशीन का इस ISI से सर्टिफिकेट ऑप्टेन करना पड़ेगा, तभी ये मशीन इंपोर्ट हो पाएगा। तो ये सारा कुछ अब ऑनलाइन चलता है, जहां पर हमने ई संचित में आपको बताया भी था। तो ISI क्या करेगा, आप मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो ISI आइस गेट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेगा और ये सर्टिफिकेट यहीं पर अपलोड भी कर देगा, ISI अपलोड कर देगा आपके बेनिफिट, आपको बेनिफिशियरी बना के, तो आपके डैशबोर्ड में भी नजर आएगा ये सर्टिफिकेट। तो ये काम इतना आसान हो गया, ये हमने कस्टम में भी डिस्कस किया था आपके साथ, याद है आपको। फिर आप एनिमल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर एनिमल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग क्वालिटी इश्यूज है, कोई डिजीज तो नहीं है उस एनिमल्स को, तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिनेशन करता है, टेस्टिंग करता है, तभी तो होता है। तो कंप्लायंस ऑफ इंपोर्ट्स विथ डोमेस्टिक लॉज, इसका मतलब यही है, डोमेस्टिक लॉज, रूल्स, ऑर्डर्स, रेगुलेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हेल्थ नॉर्म्स एप्लीकेबल टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स शैल अप्लाई टू इंपोर्ट्स अनलेस स्पेसिफिकली एक्सेम्प्टेड। तो बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, हमने आपको कस्टम्स में भी दिखलाया था, उसी वो दे दोज अथॉरिटीज आर ऑथराइज टू सी कि दे आर द गुड्स विच आर इंपोर्टेड इन टू इंडिया comply with the domestic laws. However, goods to be utilized or consumed in the manufacture of export products as notified by DGFT may be exempted from domestic standards of quality specifications. और ये क्या exempt करेंगे बताइए, मान लीजिए मैं import कर रहा हूँ और export कर रहा हूँ USA में, तो USA के और stringent qualities law है, तो India से भी ज़्यादा stringent है, हमने बताया भी था USA follows 8,000 qualities norms, India follows only 503. तो खैर इन एनी केस
तो इन्होंने कुछ लिख दिया तो हमें मानना पड़ा। फिर ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम और इनटू इंडिया, ये हम लोग कर चुके हैं, बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, पोस्टल बिल, ये सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली फिर इम्पोर्ट के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस एंड बिल ऑफ एंट्री, या पढ़ भी लीजिएगा। फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और कैटेगरी ऑफ गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसी कंडीशन और रिक्वायर एनओसी और प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंप्लायंस अंडर एनी स्टैट्यूट, द रेगुलेटरी अथॉरिटी कंसर्न मे नोटिफाई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्पसेस ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो आप ITC यानी कि इंडियन ट्रेड पोर्टल डॉट इन में जाएंगे या DGFT के भी वेबसाइट में जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से कंप्लायंस करने हैं उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ हर एक ITC वाले प्रोडक्ट पे, हर एक टैरिफ आइटम पे। इन स्पेसिफिक केसेस ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट द रेगुलेटरी अथॉरिटी कंसर्न में इलेक्ट्रॉनिकली और इन राइटिंग सीक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन एज डीम नेसेसरी, द स्टिपुलेशंस आर इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आप खुद पढ़ लेंगे, पब्लिक मोरल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट लाइफ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रिजन लेबर, मतलब प्रिवेंशन फॉर यूज ऑफ प्रिजन लेबर, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ट्रेजर, आर्टिस्टिक आर्कोलॉजिकल वैल्यू, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, ये सब आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। फिर एनी गुड्स और सर्विस द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट विच इज रिस्ट्रिक्टेड मे बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद एन ऑथराइजेशन और परमिशन, दिस हम कर ही चुके हैं। स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस करते हैं, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल इंटरप्राइजेस। इंडिया में जितनी भी स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस है वो सारी की सारी गवर्नमेंट की है या नहीं है, या तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास किया है उस कंपनी को, या फिर सारी की सारी मेजोरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट की है, सही बात है या नहीं। वो 14 नाम देखते हैं एक बार, वो 14 नाम, इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लेकर सेंट्रल वेयरिंग हाउसिंग कॉर्पोरेशन, किसी भी प्राइवेट कंपनी की है ये, सब में गवर्नमेंट की होल्डिंग है और 25% या 50% से ज्यादा की होल्डिंग है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, इसमें हो सकता है गवर्नमेंट की होल्डिंग 25%, 50% नहीं हो लेकिन 26-27% तो है ही। क्या कहते हैं आप लोग? और कुछ केसेस में तो 100% होल्डिंग होगी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जहां वर्ड कॉर्पोरेशन लग जाता है वहां तो गवर्नमेंट ही है, ये बोर्ड है, ये लिमिटेड इंडियन पोटैश लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी होगी, सारी वैसे लिस्टेड है, तो लिस्टेड कंपनी है तो गवर्नमेंट के ऑब्वियसली 100% होल्डिंग है नहीं। लेकिन अगर इस डॉक्यूमेंट को हम लोग पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, तो वो कहता है नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो इंडिया में नॉन गवर्नमेंट नहीं है, बाकी कंट्री में हो सकती है, और इंडिया चाहे तो नॉन गवर्नमेंट स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस बना सकती है, सही बात है। Including marketing boards which deal with goods for export and or import, any goods import or export of which is governed through exclusive or special privilege granted to state trading firm may be imported or exported. This list यहाँ दिया हुआ है, वही list हमने आपको appendix 2J का हमने यहाँ पर दिखा दिया था। दूसरी बात, such STA shall make any such purchase or sales involving import or export solely in accordance with commercial considerations including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale in non-discriminatory manner, and shall afford enterprises of other countries adequate opportunity in accordance with the customary business practices to compete for participation in such purchase or sale. तो अगर टेंडर निकल रहा है, ऑक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट सारा का सारा उसमें प्राइस को गिरा दे या कुछ और करे, तो इंडिया नहीं करता है, करेक्ट है।
डीजीएफटी में हैव अ ग्रांट एंड ऑथराइजेशन टू एनी अदर पर्सन टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एनी ऑफ द गुड्स नोटिफाइड फॉर एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस. तो अगर स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के किसी गुड्स को आपको एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना है तो डीजीएफटी से आप ऑथराइजेशन ले लीजिए और एसटीई एनओसी दे देगा. करेक्ट है. अब आ गया ये है सेकेंड हैंड गुड्स के इंपोर्ट पॉलिसी. तो आप यहां पर सारा आप कुछ पढ़ेंगे तो जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप रिफर्बिश्ड, एयर कंडीशनर, डीजल जनरेटिंग सेट्स ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रिस्ट्रिक्टेड है. लेकिन अगर जैसे मैं कैपिटल गुड्स में आता हूँ रिफर्बिश्ड, रिकंडीशन, स्पेयर्स ऑफ कैपिटल गुड्स तो ये फ्री है सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट सच स्पेयर्स हैव एटलीस्ट 80% ऑफ रेसिडुअल लाइफ ऑफ ओरिजिनल स्टॉक. अब आप याद कीजिए जब हम लोग सेकेंड हैंड वैल्यूएशन का चैप्टर कर रहे थे आपके साथ तो हम लोग कहा था कि सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हो सकता है और उसका वैल्यूएशन के लिए हम लोग चार्टर्ड इंजीनियर जो सर्टिफिकेट देगा उसी को मान लेंगे, चाहे इंडिया का चार्टर्ड इंजीनियर दे या बाहर का चार्टर्ड इंजीनियर दे. तो अगर कोई कैपिटल गुड्स का आप स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कंडीशन लगा दी कि भैया कि इतना भी पुराना ना हो कि उसके जो रेसिडुअल लाइफ हो वो 20% और 30% हो, कम से कम इतना पुराना हो कि उसकी रेसिडुअल लाइफ 80% हो कम से कम, तभी इंपोर्ट कर सकते हैं. और ये कौन देगा सर्टिफिकेट? चार्टर्ड इंजीनियर. लेकिन अगर आप मशीन ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन कुछ नहीं लिखी हुई है. ऑल अदर सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कीजिए, उसकी रेसिडुअल लाइफ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो स्पेयर पार्ट्स का उन्होंने रेसिडुअल लाइफ लिख दिया है. सही बात है. फिर सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड है. सेकेंड हैंड गुड्स इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, रिफर्बिश, रिकंडीशनिंग और री इंजीनियरिंग फ्री है और सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग दिस इसको पढ़ लीजिएगा एंड री एक्सपोर्टेड बैक एज पर द कस्टम्स नोटिफिकेशन. तो सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स आप रिपेयर के लिए लेके आए, फिर आप एक्सपोर्ट ही करेंगे तो लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसका जो वेस्ट जनरेट होगा उस पर जो कस्टम ड्यूटी देनी चाहिए वो दीजिए. सही बात है. तो उस पूरे पॉलिसी में आप देख लीजिए कि स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करना है तो कैपिटल गुड्स का स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करना है तो 80% रेसिडुअल लाइफ. कैपिटल गुड्स ही इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं रिपेयर के लिए तो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर लिए, लेकिन वेस्ट जो जनरेट होगा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दे दीजिए. यह हमने कस्टम्स में भी आपके साथ पढ़ा था. सही बात. चलिए एक्सपोर्ट कॉमेट आइटम्स, ये एक्सपोर्ट ऑफ कॉमेट आइटम्स में ये चार पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे. लेकिन आपको बस इतना ही जानना है कि एक्सपोर्ट ऑफ कॉमेट आइटम्स के लिए आपको ऑथराइजेशन की जरूरत है. बाकी पूरे रूल अगर पढ़ने हैं तो ये सीरियल नंबर, ये पैराग्राफ, ये सब पढ़ने पड़ेंगे. करेक्ट है. मैं आगे करता हूं. फ्री एक्सपोर्ट्स, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा. सारे गुड्स फ्री एक्सपोर्ट्स में है जनरली, कुछ को छोड़ के. नाउ बेनिफिट्स ऑफ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर या थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, इसको एक बार समझते हैं. यहां से हमने बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन किया था आपके साथ आईजीएसटी में, यहां भी वैसा ही है. जैसे ये जो ए है ये थर्ड पार्टी है, ये बाहर के कंट्री से ऑर्डर लेके आता है. करेक्ट है. अब जो बाहर की कंट्री से ऑर्डर लेके आएगा और ये ट्रेडर है, तो ये जो ऑर्डर लेके आएगा तो ये खुद तो गुड्स बनाता नहीं है. ये एक मैन्युफैक्चरर कहता है जो सी है, बोलता कि सर ये ऑर्डर आया है इसको आप सप्लाई कर दो. तो यानी कि सारा एक्सपोर्ट का काम ये करता है, ये एक तरह से ऑर्डर लेके आता है और इधर उधर बांट देता है. ऐसे केस में
इंटरमीडियरी, ऐसे केस में क्या इस मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिल पाएगा? इसमें एक्सपोर्टर कौन है? थर्ड पार्टी है जो ए है जो ऑर्डर लेके आ रहा है, या जो मैन्युफैक्चरर है वो है, या दोनों है, या दोनों है, दोनों का रोल है? शिपिंग बिल कौन फाइल कर रहा होगा? शिपिंग बिल कौन फाइल कर रहा होगा? सी फाइल कर रहा होगा, एक्सपोर्ट तो ये कर रहा है ना, शिपिंग बिल तो ये फाइल कर रहा होगा। प्योर एजेंट है या नहीं है वो तो खैर इशू अलग है, लेकिन यहां पर हम लोग एक्सपोर्ट बेनिफिट, अरे कहां चले गए आप लोग, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। सर्विस एक्सपोर्ट, ये भी इंडिया में, ये भी इंडिया में, तो इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी वो तो लोकली ट्रांजेक्शन होगी, इसमें या तो आई लगेगा, सी प्लस एस लगेगा, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट बेनिफिट्स जो लेना है MEIS का, SEIS का, या ड्यूटी ड्रॉबैक का। आज एक बात बताइए कि ये ऑर्डर लेके आ रहा है, करेक्ट, ये भी तो मेहनत कर रहा है, इसको भी तो ड्यूटी, इसने भी तो ड्यूटी दी होगी इंडिया में, ये भी इनपुट लेके आता है, ये भी करता है, शिपिंग बिल इसके, शिपिंग बिल फाइल ये करेगा, फॉरेन एक्सचेंज इसको मिलेगा, है ना, इनवॉइस ये इशू करेगा, आरबीआई को EBRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इसके पास आएगा। तो ये कहता है कि इसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, इसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है? और याद कीजिएगा कस्टम्स में जब हम लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर कर रहे थे तो वहां भी हमने बात की थी, हम लोग, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, शिपिंग बिल जब ये मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर फाइल करेगा तो ये थर्ड पार्टी का भी नाम होना चाहिए और इसका भी नाम होना चाहिए, नेम ऑफ थर्ड पार्टी यस, एक्सपोर्टर यस, करेक्ट। बाकी BRC इनवॉइस और एक्सपोर्ट ऑर्डर में तो सिर्फ इसी का नाम होगा, ए का, इसका नाम हो नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो ए एंड सी बोथ विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्टर, करेक्ट है। अब पढ़ते हैं, बेनिफिट्स फॉर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स, फॉर एनी बेनिफिट्स टू अक्रू टू द सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, द नेम्स ऑफ बोथ, और हमारे एग्जांपल में सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर सी है, द नेम्स ऑफ बोथ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द मर्चेंट एक्सपोर्टर, और हमारे एग्जांपल में वो बी है, सॉरी ए है, सॉरी एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल में ये सी था, करेक्ट, और ये ए था, मस्ट फिगर इन द कंसर्न्ड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स स्पेशली इन शिपिंग बिल। ये सब तो एक्साइज के डॉक्यूमेंट से खत्म ही है, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट या एयर बिल। तो हमने क्या लिखा है कि कहां वो इन दोनों के नाम, ए और सी के नाम शिपिंग बिल में तो जरूर आने चाहिए, तभी एक्सपोर्ट बेनिफिट दोनों को मिल पाएगा। नहीं तो अगर सी का नाम इसमें नहीं आए या ए का नाम इसमें नहीं आए तो जिसका आएगा उसको मिलेगा, सही बात है या नहीं? अब देखिए थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स यानी कि मेकिंग एक्सपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एक्सपोर्टर। तो इस एग्जांपल में He is making export on behalf of A. C is making export on behalf of A. As defined in chapter 9, except deemed export. Deemed export की कहानी क्या है कि इसके पास advance authorization है, ये इसको supply कर रहा है, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं। Shall be allowed under FTP. In such cases, export documents such as shipping bill shall indicate name of both manufacturing exporter and third party exporter, correct? Bank realization certificate, export order and invoice should be in the name of third party exporter, जो order लेके आया है,
ये वाला, सिर्फ इसके नाम, करेक्ट है? ऐसा भी हो सकता है ये यूएस से, ये इंडिया, ये इंडिया, इसके पास ऑर्डर है, एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है इसके पास, करेक्ट है? ये इसको सप्लाई करता है और फिर ये सप्लाई को ये एक्सपोर्ट कर देता है। करेक्ट है? तो बताइए ये बंदा कौन है? इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है तो ये बंदा है कौन? हु इज दिस पर्सन? कौन है ये? मर्चेंट एक्सपोर्टर, और ये मर्चेंट एक्सपोर्टर कहता है कि मैं खरीद रहा हूं, मेरे पास एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है, मैं इससे खरीद रहा हूं। बताइए किस रेट से खरीदेगा? यस, 0.5 0.5 0.10%, याद है? एक नोटिफिकेशन आया था इसके लिए। तो ऐसे केस में फिर वो 90 डेज के कंडीशन ये सब सेटिस्फाई करने होते हैं। यस, 0.5 0.5%, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसका नाम भी वहां पर आप याद कीजिए, वो लेक्चर देखिएगा, इसका नाम भी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अब अगर मैं ये बंदा मर्चेंट एक्सपोर्टर इससे खरीद के एक्सपोर्ट कर रहा, तो शिपिंग बिल भी इसी का, बीआरसी भी इसी का, इनवॉइस भी इसी का, और इसको भी चाहिए बेनिफिट। तो ये 0.1% से खरीद तभी पाएगा, जब ये बेचेगा तभी, जब इसका भी नाम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में हो, हाँ या ना? नहीं तो इससे 18% यानी कि रेस्पेक्ट जो गुड्स पे रेट है, ओरिजिनल रेट, वो मांग लेगा। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हम लोग। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स एक्सेप्ट एज डीम्ड, एक्सेप्ट डीम्ड एक्सपोर्ट, तो बेसिकली ये मर्चेंट एक्सपोर्टर के बारे में बात कर रहा है, या फिर जो मैंने आपको अभी दूसरा एक बताया था, ये पॉसिबिलिटी, ये एक्सपोर्ट कर रहा है। Shall be allowed under FTP in such cases, export documents such as shipping bill shall indicate name of both manufacturing, shipping bill, याद रखिएगा, shipping bill shall indicate name of both manufacturing exporter or manufacturer and the third party exporter, बाकी सब document में third party exporter का नाम होगा। सही बात है? Third party export means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter. In such cases, export documents such as shipping bill shall indicate name. अच्छा, वही कहानी आ गई, लेकिन ये definition अलग से दिया हुआ था, इसलिए हमने अलग से लिख लिया 9.60. ये एक CF में question था, आप एक बार पढ़िए, फिर हम लोग discuss करते हैं। चलिए एक बार पढ़ते हैं। CD Corporation merchant exporter है, procured order of goods from a customer in USA. It approached AB Corporation and manufacturer for execution of the said order. बताइए, CD Corporation AB को कह रहा है कि आप execute कीजिए। तो ये वाला example है, यानी merchant exporter खरीद के export कर रहा है, या फिर ये हमारा ये वाला example है। A ने इसको दे दिया कि कहा कि आप ही export करो। इसने झंझट नहीं पाया, यही वाला है। इट अप्रोच्ड एबी कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर, ठीक है, द शिपिंग बिल्स रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट वियर द नेम ऑफ सीडी कॉर्पोरेशन। शिपिंग बिल किसके नाम पे है? सीडी कॉर्पोरेशन के नाम पे, यानी कि इसके नाम पे। मर्चेंट एक्सपोर्टर ये है, इन्होंने लैंग्वेज ठीक से नहीं लिखी है।
आप सोचिए, अगर ये वाला एग्जाम्पल है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का और ये एक्सपोर्ट कर रहा है, तो शिपिंग बिल वो अपने नाम पे देगा, ये ए बी। इट इज नॉट दिस एग्जाम्पल, ओके। ये क्यों लिखा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेड ऑर्डर? चलिए मान लेते हैं, द शिपिंग बिल्स रिलेटिंग टू द कंसाइनमेंट बियर द नेम ऑफ सीडी कॉर्पोरेशन। शिपिंग बिल में सीडी कॉर्पोरेशन का नाम है इसका। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये वाला एग्जांपल है कि ये खरीदता है और एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर ये खरीद रहा है और फिर ये एक्सपोर्ट कर रहा है। ये लाइन इनको हटा देनी चाहिए फिर, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेड ऑर्डर। बैंक रिलाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड इनवॉइस आर आल्सो इन द नेम ऑफ सीडी कॉर्पोरेशन। वो तो नेचुरल है, वो तो होगा ही होगा। कमेंट वेदर ए बी कॉर्पोरेशन कुड बी डीम्ड एज एक्सपोर्टर अंडर एफटीपी, तो ऑब्वियसली नो। कम से कम शिपिंग बिल में इसका नाम होना चाहिए, सही बात है या नहीं? चलिए अब कहानी आती है, एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जब आप करेंगे, ये कहां गया, ये कहां गया, यस, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए या इंडियन करेंसी में, और कितने महीने के अंदर रिलाइज होना चाहिए, बताइए। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा फॉरेन एक्सचेंज में होगा, एज पर फेमा 9 मंथ्स में रिलाइज होना चाहिए। अब एक बात बताइए आप मुझे, और हम लोग कस्टम में भी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने एक्सपोर्ट किया 200 नॉटिकल माइल्स जाके ये शिप डूब गया और मुझे इंश्योरेंस मनी मिली, क्या इंश्योरेंस मनी को मानेंगे दैट फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन रियलाइज्ड? तो एफटीपी कहता है यस यस, इफ नॉट लायबल तो 9 महीने में रियलाइजेशन होना चाहिए। एक्सपोर्ट बेनिफिट्स तो तुरंत मिल जाता है, कुछ जगह ऑटोमेटिक है, तो अगर नहीं पैसा रियलाइज हुआ है तो वो जो बेनिफिट आपको मिला है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। इंश्योरेंस मनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, करेक्ट है? और अगर मैं कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूरोपियन यूनियन में, यूएसए में या जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे जो भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उस गुड्स के जितने भी क्वालिटी इश्यूज हैं वो उस कंट्री के लॉ को कंप्लाई होना चाहिए, हाँ या ना? तो मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था कि इंडिया इज फोकसिंग मोर ऑन क्वालिटी इश्यूज, क्वालिटी प्रोडक्ट ही इंपोर्ट करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया ये जो BIS है, ISI है, जितने भी क्वालिटी कंट्रोल के अथॉरिटीज हैं, इसको रिवैम्प करेगी, बहुत जल्दी बिल आ जाएगा मुझे लगता है। अब मुझे एक बार बताइए, इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट किस करेंसी में होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज में? या मान लीजिए मैं जापान से इंपोर्ट करता हूं और मैं जापान वाले को बोलता हूं भैया मैं तो आपको सिर्फ इंडियन रुपीस में ही पेमेंट करूंगा, और जापान वाला एक्सेप्ट कर लेता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एनी करेंसी में भी हो सकता है, पेमेंट रिलाइजेशन का कोई मतलब नहीं बनता, आपको तो पेमेंट करना है, और कंप्लायंस इंडिया से रिलेटेड। हाँ, ईरान से हम जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने कहा था कि हम इंडियन करेंसी में देंगे, ईरान वाला मान गया था, रशिया
का मुझे आइडिया नहीं है, आप कह रहे हैं वो तो सही होगा। अच्छा एक बात बताइए, SEZ में जो सप्लाई करते हैं, SEZ यूनिट में इसको एक्सपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? यस, एज पर विच एक्ट? जीएसटी लॉ में तो जीरो रेटेड सप्लाई लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट तो लिखा हुआ ही नहीं है। SEZ एक्ट, करेक्ट, SEZ एक्ट, और बेसिकली SEZ रूल्स में भी लिखा हुआ है। रूल्स मुझे याद है, अगर मैं सही हूं तो रूल 26 या 27 में लिखा हुआ है कि सप्लाई टू SEZ विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट एंड सप्लाई फ्रॉम SEZ टू हियर इट विल बी ट्रीटेड एज इम्पोर्ट। तो इंपोर्ट मानेंगे तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट मानेंगे तो शिपिंग बिल फाइल करनी पड़ेगी। सही बात है या नहीं है? और आपको याद होगा SEZ का एक वेबसाइट बन रहा है, है ना? वापस आते हैं। अब देखिए, अब मैं इसको मैं सप्लाई करता हूं SEZ को, तो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट किसमें, फॉरेन करेंसी में या इंडियन करेंसी में? पढ़ते हैं, कहानी कुछ अलग लिखी हुई है। इन्होंने क्या लिखा है, देखिए इन्होंने लिखा सप्लाई बाय DTA टू SEZ यूनिट ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट इफ पेमेंट इज रिलाइड इन फॉरेन एक्सचेंज, तभी एक्सपोर्ट है, नहीं वरना नहीं है। और ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का पार्ट तभी बनेगा, ईओ का मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो एक्सपोर्ट तो है, लेकिन अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में रियलाइज करेंगे तभी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का पार्ट होगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मुझे आपको बताना पड़ेगा एक बार। मान लीजिए आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया, इंपोर्ट किया, फिर आपको एक्सपोर्ट करना जरूरी है वैल्यू एडिशन, जिसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। मान लीजिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स 15% है, या आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया और उसमें लिखा हुआ था इसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट एज पर कस्टम्स लॉ तो आउटसाइड इंडिया है, और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज ही होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि अगर आप SEZ को भी सप्लाई करेंगे तो दिस इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, 6 टाइम्स आप एक्सपोर्ट करेंगे तो दैट इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का पार्ट SEZ को सप्लाई जब करेंगे तो वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का पार्ट बन जाएगा अगर रियलाइजेशन इज इन फॉरेन एक्सचेंज। आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर SEZ को आप सप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट तो है, लेकिन और INR में रियलाइज कर रहे हैं तो नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। और फिर लिखता है अगर DTA SEZ डेवलपर को सप्लाई करता है तो एक्सपोर्ट तो मानेंगे, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज करे या INR रियलाइज करे, पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। करेक्ट है? तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यहां लिखा हुआ है SEZ यूनिट्स फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट ऑर्डर, SEZ डेवलपर इवन एक पेमेंट रिलाइज इन इंडियन करेंसी। बट विद इन इंडिया हाउ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों, क्या दिक्कत है? SEZ के फॉरेन अकाउंट नहीं होते हैं? पॉसिबल है?
नीड टू कन्वर्ट मीन्स मेरा फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है इंडियन बैंक में, SCZ का फॉरेन एक्सचेंज इंडियन बैंक में है और SCZ जहां है उसके अंदर ही बैंक होता है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में फॉरेन करेंसी ट्रांसफर होगी, इंडियन करेंसी ट्रांसफर नहीं होगी। मुझे लगा मैं ये वाला भी आज कंप्लीट कर लूंगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रोसीजर बचा हुआ है, कर लें क्या इसको? 5 मिनट का है खाली, ये बोलना है कि आप पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही बोलना है मेरे को। क्योंकि हम लोग कर ही चुके हैं, फॉर्म बता चुका, सिर्फ यही बोलना पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है, कर लेते हैं। 5-10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए, ऑथराइजेशन फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किस गुड्स के लिए चाहिए ऑथराइजेशन? रिस्ट्रिक्टेड के लिए चाहिए, और एक्सपोर्ट अगर है तो कॉमर्ट आइटम्स के लिए चाहिए। सही बात है या नहीं है? अगर एक्चुअल यूजर कंडीशन है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर सकता है, वरना ट्रेडर भी एक्सपोर्ट कर सकता है। सही बात है। और एक्चुअल यूजर का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए, इंडस्ट्रियल है यानी कि जो खुद है, या फिर नॉन इंडस्ट्रियल है, एनी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ट्रेडर विच हैज डेफिनेटिव पोस्टल एड्रेस who utilizes the imported goods for his own use. याद रखिएगा, non-industrial भी है, फिर भी बेचने के लिए नहीं, ये खुद के लिए है। Laboratory, scientific research and development institution, university या any service industry which has a definitive postal address. Definitive postal address, सब जगह यही लिखा हुआ है। तो आप खुद के use के लिए है, that is actual user. तो जब आप उस goods में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ होगा कि actual user conditions है या नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन ऑथराइजेशन में बताई चुका, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, एक्चुअल यूजर कंडीशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन टू बी अचीव, मिनिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस, बैंक गारंटी, लीगल अंडरटेकिंग, वैलिडिटी ऑफ पीरियड, ये वैलिडिटी हमने बताई दिया है, 24 मंथ्स है एक्सपोर्ट के लिए, 18 मंथ्स है इम्पोर्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस अपेंडिक्स 2K में मिलेगा आपको, और मैंने आपको बताई दिया है 500 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज मैक्सिमम तक जाएगा, तो आप यहाँ पर अपेंडिक्स 2A में देख सकते हैं। ये जो मैं कह रहा था, ये पैरा 2.13 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम्स अगेंस्ट ऑथराइजेशन, गुड्स ऑलरेडी इम्पोर्टेड शिप्ड अराइव्ड इन एडवांस बट नॉट क्लियर फ्रॉम कस्टम मे ऑल्सो बी क्लियर अगेंस्ट एन ऑथराइजेशन इश्यूड सब्सिक्वेंटली, यानी कि पहले इम्पोर्ट कर लीजिए उसके बाद ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करिए। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई, तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है? मान लीजिए मैंने ऑर्डर दे दिया 1 अक्टूबर को, गुड्स चल भी गया, चल चुका दूसरे कंट्री से, और 6 अक्टूबर को ये पहुंचने वाला है यहां पर, 7 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्टेड में डाल दिया, पॉसिबिलिटी है? यानी कि जिस दिन मैं ऑर्डर दे रहा हूं, जिस दिन गुड्स वहां से चल रहा है, जिस दिन पहुंच रहा है, उस दिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अचानक से रिस्ट्रिक्शन में आ गया, या फिर गुड्स पहुंच चुका, कस्टम स्टेशन में पड़ा हुआ बिल ऑफ एंट्री में जिस दिन फाइल करने वाला हूं उस दिन रिस्ट्रिक्शन में आ गया, है ना? और हमने आपको एक बात बताई थी कि जिस दिन आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस दिन वो वैलिड होना चाहिए, ऑथराइजेशन मस्ट बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ इंपोर्ट, सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड ऑन फॉर एन ऑथराइजेशन मस्ट बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं गुड्स ऐसे छोड़ थोड़ी दूंगा, मैं फिर ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा। तो हाउएवर सच गुड्स ऑलरेडी इंपोर्टेड शिप्ड अराइव्ड इन एडवांस एज आर फर्स्ट वेयरहाउस अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री,
for warehousing and then cleared for home consumption against an authorization issued subsequently. This facility will, however, be, अब ये line मुझे नहीं समझ में आ रही है. This facility will, however, not available to restricted items or items traded through STU. तो भैया उसी के लिए तो है authorization. आप कह रहे हैं ये facility available ही नहीं होगी. ये line मुझे नहीं समझ में आ रही है. आप लोगों को कोई आइडिया? इस लाइन को इग्नोर कर देता हूं तो जो हमारा एग्जांपल है बिल्कुल फिट बैठ रहा है. कहिए कोई आइडिया है तो बताइए. अब मैं चाहता हूं कि आप पैरा 2.13 का जो ओरिजिनल है वो आप पढ़िएगा. कहां पर लिखा हुआ है पैरा 2.13 है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का चैप्टर 2. करें आगे. ऑथराइजेशन नॉट ए राइट, यानी कि ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करें, डीजीएफ के रिजेक्ट कर दे और आप कोर्ट में चले जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. राइट नहीं है. ठीक है, अब यहां आते हैं. गिफ्ट्स का इंपोर्ट करना और सैंपल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना अलाउड है या नहीं, मुझे एक बात बताइए. मैं अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं वो भी फ्री में, मेरा कोई इंडिया का कोई फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर नहीं जाएगा, आप लोगों को कोई तकलीफ है? तो फ्री है. है ना? लेकिन ऐसा गिफ्ट इंपोर्ट कर रहा हूं जो रिस्ट्रिक्टेड में है तब ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड. सही बात. सैंपल अगर इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, कोई ड्रग्स है या कुछ और आइटम्स लिखा हुआ, तो उसके लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है. अदर गुड्स ऑथराइजेशन नॉट रिक्वायर्ड. इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं. अब हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आते हैं. अब बताइए, मैं गिफ्ट्स अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए या नहीं चाहिए? और फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्योंकि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ का गुड्स आप इंडिया के बाहर भेजेंगे वो भी फ्री में, तो वो अलाउ नहीं करेंगे. तो वो कहते हैं कि भैया अच्छा चलो कोई बात नहीं, गिफ्ट आदान प्रदान इंडिया है, करते ही हम लोग फ्री अप टू 5 लाख. पांच लाख से ऊपर शायद वो करने नहीं दे या फिर ऑथराइजेशन लेने की जरूरत पड़े. और अगर ऐसा गिफ्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड में है तो ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है. और ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड वो भी 5 लाख रुपए तक, उससे ज्यादा तो करने नहीं देंगे. क्या कहते हैं? अगर आप सैंपल एक्सपोर्ट करते हैं तो कर सकते हैं. ट्रेड एंड टेक्निकल सैंपल्स ऑफ फ्रीली एक्सपोर्टेबल ऑफ एनी वैल्यू, बाकी सब रिस्ट्रिक्टेड है. आपको कोई चीज फ्री में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सैंपल के रूप में भेज रहे हैं तो NF2Q में अप्लाई करना पड़ेगा. सही बात है. एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स, गुड्स इंक्लूडिंग एडिबल आइटम्स, खाने का सामान ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 5 लाख इन ए लाइसेंसिंग ईयर मे बी एक्सपोर्टेड एज ए गिफ्ट. हाउएवर आइटम मेंशन्ड एज रिस्ट्रिक्टेड शैल नॉट बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट विदाउट एन ऑथराइजेशन. करेक्ट है. तो हमने जो एग्जाम्पल में लिया कि गिफ्ट 5 लाख तक लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है तो ऑथराइजेशन से ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इम्पोर्ट ऑफ गिफ्ट्स, import of goods shall be free where such goods are otherwise freely importable under this, in other case authorization is required. to gift ka to bahut aasan hai, import aap karte rahiye, export mein hum log 5 lakh ka limit laga denge, restricted hai to authorization required. to ye ho gaya handbook of procedure. ye sab form ye sab hai main aapko bata hi chuka hu, to isko aap pad lijiyega. स्कॉमेट के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ, 5 साल के लिए रिकॉर्ड ये सब मेंटेन करना पड़ेगा आपको. फिर है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ. इंपोर्ट के लिए 18 मंथ्स, एक्सपोर्ट के लिए 24 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड है. ये देखिए, ये बेसिकली ऑथराइजेशन है, लाइसेंस सर्टिफिकेट, फिर ऑथराइजेशन परमिशन, CCP कस्टम्स क्लियरेंस परमिट, ये सब नाम
अब पुराना हो चुका है, लेकिन स्टिल दे आर यूजिंग इट. इंपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आइटम के लिए फॉर्म ये रहा, इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स जो हम लोग ये कर रहे थे. No authorization shall be required for import of bona fide technical and trade sample of item restricted in ITS except vegetable seeds, bees and new drugs. Sample of tea not exceeding 2000 CIF in one consignment shall be allowed without an authorization by any person connected with tea industry. Duty free import of sample up to 3 lakh for all exporters shall be allowed as per terms and conditions of export customs notification. यानी कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सैंपल फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स. ये क्या चीज है भैया कि मैं एक्सपोर्टर हूं तभी मैं सैंपल इंपोर्ट कर सकता हूं, मतलब तो यही है. हाँ या ना? क्योंकि सैंपल अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो और मुझे पैसे अगर देने पड़ रहे हैं तो इंडिया करेंसी जा रहा है, तो इसीलिए शायद वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर ही सैंपल इंपोर्ट कर सकता है. फिर एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल्स और एग्जिबिट्स, एक्सपोर्ट ऑफ बोनाफाइड ट्रेड एंड, ये तो मैंने डिस्कस कर ही चुका हूं. 2Q ये और एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल करते हैं रिस्ट्रिक्टेड आइटम का तो NF2Q में अप्लाई करना है. इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर और अदर गुड्स एज गिफ्ट्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट है. तो कल हम लोग, कल या परसों, कल शायद नहीं लेकिन परसों हम लोग मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा और हम लोग ये स्कीम्स कंप्लीट करेंगे. एडवांस ऑथराइजेशन और इसमें बहुत सारे स्कीम्स हम लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत स्मूथ फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, कल मिले, कल या परसों. थैंक यू, बाय बाय.